तत्व पर फांसी की सजा का प्रावधान हो आज हिंदू समाज के लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है पाती दी है इस पर भी अगर मध्य प्रदेश की सरकार को समझ में नहीं आई तो समूचा हिंदू समाज सड़कों पर आकर इन आताताई पापियों अत्याचारियों जो हिंदू समाज की बेटियों को बहला फुसलाकर भगा के ले जाते हैं हिंदू धर्म का अपमान करते हैं हिंदू संस्कृति को कुचलते हैं हमारी बहन बेटियों के साथ पापाचार करते हैं है जब कोई समय अवधि दी है कि कब तक कानून आ जाए क्योंकि इसके पहले भी ऐसे हुए हैं लेकिन अभी तक कोई कानून आ नहीं पाया समय अवधि का कुछ नहीं है आज प्रसन्नता की बात यह है कि पहले प्रथक प्रथक हिंदू समाज के लोग और हिंदू संगठन के लोग ज्ञापन दिया करते थे आज सागर शहर और देश में जो हिंदू संगठन चलते हैं समूचे हिंदू संगठन के पदाधिकारी यहां पर कलेक्टर साहब के यहां आए अब जो भी होगा तो सारे समूह सा, सारे समाज के हिंदू समाज संगठनों के नेतृत्व में होगा और जंगी होगा और घातक होगा और हम जब तक कानून नहीं बनवा लेते तब तक पीछे नहीं हटेंगे हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी अपनी मुहिम पहुँचानी है बहुत से माँ बाप अभी अपनी बच्चियां उनकी घर के बाहर क्या कर रही हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी का लफ जिहादी जो हैं ये फायदा उठाते हैं हमारी मुहिम है कि हर बच्ची को जागरूक करना है हमें किसी के प्यार मोहब्बत करने से कोई आपत्ति नहीं है आप कर सकते हो आप मुस्लिम में भी कर सकते हो आप कहीं भी कर सकते हो लेकिन लड़की ही हिंदू क्यों बने यदि आपका प्रेम सच्चा है तो लड़का मुसलमान अब हिंदू बनेगा हमारा ये कहना है और सागर में क्या स्थिति है सागर में हमारे पास बाकायदा एक लिस्ट बनी है वो लिस्ट बढ़ती ही जा रही है पीछे से हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ख़त्म करते जाएँ पर यह एक चेतावनी है मुस्लिम समाज के जो युवा यु जिहाद में मैं मानता हूँ कि सभी नहीं है लेकिन जो अच्छे मुस्लिम हैं वो कभी बुरे मुस्लिम का विरोध नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि उसकी मौन सहमति उस काम में रहती है मेरे उन सभी को निवेदन समझ लें या चेतावनी समझ लें शहर की सुख शांति चाहते हैं तो अपने बच्चों को समझाएं कि, कि किसी भी हिंदू लड़की से दूर रहें और यदि हमें कहीं भी इस तरीके से घूमते मिल जाएंगे तो कल के दिन फिर ये नहीं कहें कि कपिल स्वामी शहर की फिजा खराब कर रहे हैं जी क्या है आगे की योजना जिस तरीके से आज हमारे समस्त हिंदू समाज के युवाओं ने एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन दिया है लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए और मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और इस तरीके के कृत्य करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनके खिलाफ कानून बनाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए ताकि जो इस तरीके का आभा मंडल बनाकर समाज में हमारे हिंदू समाज की बेटियों के साथ इस तरीके का कृत्य करने का जो काम आज सामाजिक तत्व तो करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो और उनको कड़ी सजा भी मिले क्योंकि लव जिहाद किसी रेप से कम नहीं है लव जिहाद रेप के बराबर है तीन की जिस तरीके से सजा में प्रावधान है उसी तरीके से लव जिहाद करने वालों को भी सजा का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि ये अनर्गल तरीके से बहलाते हैं फुसलाते हैं और उनको फिर अनैतिक तरीके से उपयोग करते हैं और शोषण करते हैं इसलिए इस तरीके के जो कृत्य हैं वो समाज में बंद होने चाहिए आपको तो क्या लगता है सागर में भी लव लव जिहाद जिहाद के आ रहे हैं क्या है सागर सागर में की? में स्थिति की भी अभी कुछ केस सामने आए हैं और निरंतर संपर्क में भी कुछ ऐसे केस हैं और उन केसों पे अध्ययन भी चल रहा है और उनको प्रयास ही भी ये किया जा रहा है कि उनको रोकने का हम लोग प्रयास करें और इस कार्यक्रम में कोई भी संगठन के बैनर तले ये सारे हिंदू समाज के लड़के नहीं आए हैं ये सब अपने अपने संगठनों से हैं और सब एक मत होकर सिर्फ एक मुद्दे को लेकर इस मुद्दे के पीछे सारे हिंदू समाज के युवा एकत्रित होकर यहाँ पर आए हुए ये सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप इस हिंदुत्व सभी एकता के कार्यक्रम में आकर हम लोग की जो आवाज है उसको माननीय मेरे यशस्वी एस प्रधान मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी तक पहुँचा रहे हैं मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चूँकि मैं एक पार्टी का पदाधिकारी हूँ तो आज मैं पार्टी के पदाधिकारी ना होने के नाते मैं आज सभी हिंदू भाइयों के साथ मिलकर ये ज्ञापन देने आया हूँ ये लफ जहाद का मामला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है पिछले चार महीने पहले एक गोपालगंज थाने में ही मैंने ये मामला जो है अवगत कराया था और आज लगातार आप पूरे विश्व में देख रहे होंगे कि लगातार ये लफ जहाद का मामला बढ़ता जा रहा है आज हम सभी युवा सड़कों पर आए हैं ऐसा ना हो कि कल महिलाओं भी सड़कों पर आ जाएं जो महिला हमारी बहनें हैं वो सड़कों पर आ जाएं तो माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इसके खिलाफ़ सख्त जो है एक कार्रवाई की जाए जो लफजहाती है उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और एक कानून बनाया जाए